उत्सव मैरिज हॉल के पास दानापुर तकिया पे पड़ता है। ये मैरिज हॉल के पास बाहर में है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पार्किंग के लिए बनाया गया है। ये गाड़ी जो जाएगी यहाँ से पार्किंग के लिए है, और यहाँ से ये दूसरा मेन गेट, दूसरा गेट है। मैं आपको दोनों गेट दिखाऊंगा अभी चल। ये है पार्किंग गेट, गैरेज मतलब गाड़ी लगाने का जगह, उत्सव मैरिज हॉल दानापुर तकिया पे पड़ता है। ये देख सकते हैं यहाँ से बारात, जो भी बारात आएगी तो इस गेट से जा सकते हैं उतरकर। ये दूसरा गेट, पहला गेट हो गया मतलब अंदर जाने का। ये आपका गैरेज हो गया, यहाँ पे पार्किंग गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं। दूर दूर तक बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, देख सकते हैं पार्किंग के लिए बनाया गया है। और दूसरा मैं आपका गेट लेके चलता हूँ बाहर की ओर, फिर से मैं जाता हूँ और बाहर की ओर जाकर आपको दूसरा गेट दिखाते हैं। ये मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, ऑफिस है ये, ऑफिस में मैरिज हॉल का ये ऑफिस हो गया। उत्सव मैरिज हॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्सव मैरिज हॉल है। ये दूसरा गेट, लंबर दूसरा गेट के पास हम लोग जा रहे हैं, जो मेन गेट है एंट्री करने का, यही गेट है एंट्री करने के लिए। ये दूसरा गेट है, दूसरा गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर के लिए। और ये मेन गेट यही है, वो जो गेट दिखाए थे वो गेट जो था, मतलब वाह क्या काफ़ी खूबसूरत है। मैरिज हॉल देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। ये गेस्ट लोग के लिए बैठने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और कितना काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये जो हॉल है गेस्ट लोग के लिए बैठने के लिए है। इससे भी जहाँ पे जो फंक्शन है आपको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये जो है हॉल। यहाँ पे जयमाला होता है, और अभी हम काश जयमाला का प्रोग्राम नहीं है, रिसेप्शन है। हैं अंदर के गेट, मतलब जहाँ पे रिसेप्शन होगा वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी एंट्री करने के लिए, और आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा सकते हैं। यहाँ पे शादी है, मंडप है ये, यहाँ पे शादी उदी होता है मंडप के लिए। आपको पीछे से लेकर आगे तक दिखाएंगे। ये रूम है बारात के लिए, मतलब जो लेडीज बारात आएगी उसके लिए है।
ये जो है दूल्हा का गेस्ट हाउस रूम है, यहाँ पर देख सकते हैं दूल्हा के लिए रूम है गेस्ट हाउस। कितना लंबा कितना चौड़ा है ये, इसमें एक बार कम से कम एक बार में 200 आदमी आ सकते हैं। अब ये दूसरे गेट के पास में जाएंगे, देखते हैं कि काफ़ी लंबा है, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। फोटो अब नहीं लेंगे, देख सकते हैं ये हॉल, एक रूम ये है। ये दुल्हन का रूम है, इसमें दुल्हन तैयार हो रही है, इस रूम का भी आपको दिखाते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब नेक्स्ट टाइम में अगर मौका मिले तो ज़रूर दिखाएंगे। अगर हमारा यूट्यूब अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें चिंटू भाजन से यूट्यूब चैनल।